बहुत बार लोगों के मन में ऐसा विचार आता है कि यह कृष्ण कितना कठोर है कि 14 साल तक जिसने उसे पाला पोसा उसे छोड़कर भाई चला गया, वापस कभी आया ही नहीं। बात ऐसी नहीं है। आज भी हम लोग क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं? वृंदावन में रहते हैं। कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा ही नहीं भाई कभी। यशोदा को क्या छोड़ेंगे, वो देवकी के पास भी रहे कार्य करने के लिए, लेकिन प्यार के रूप में हमेशा यशोदा के साथ ही रहे। हम क्या चाहते हैं? हम कृष्ण के दोनों रूप चाहते हैं, तो हमारे पास देवकी भी होनी चाहिए, हमारे पास यशोदा भी होनी चाहिए। इसमें से अगर एक भी नहीं है तो दूसरी के होने का कोई चांस नहीं, ये भी जान लो। लेकिन पहले देवकी यानी गुण संकीर्तन, उसके साथ साथ गुण संकीर्तन की दिशा तय करनी चाहिए वसुदेव को। तो दिशा कौन सी तय करनी होती है? तो ये मांगने के लिए, वो मांगने के लिए नहीं भाई। मांगना तो जरूर भगवान से ही मांगो, भगवान से मांगने से कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मांगते समय एक बात कहना कि जो मैं मांग रहा हूं तू चाहे तो दे दे, न चाहे तो न दे दे, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे लिए जो उचित है वही तू मुझे देगा। लेकिन मैं ये गुण संकीर्तन कह कर रहा हूं, अगर जो मैं कर रहा हूं कि मुझे एक हफ्ते में एक चीज चाहिए नहीं मिली तो मैं गुण संकीर्तन बंद कर दूंगा। चली गई भाई यशोदा, चली गई देवकी भी, चली गई वसुदेव चला गया, अब तुम्हारा ना रिश्ता सिर्फ कंस मामा के साथ, अब तुम और कंस मामा आनंद से रहो। कंस मामा क्या करेगा सब कोई जानता है। इसलिए कभी ऐसा व्यवहार ना करो भगवान के साथ, क्योंकि मुझे अगर 7 दिन के अंदर अंदर ये बात कर देगा तो मैं उतना ही नाम गुण संकीर्तन करूंगा। खुद के लिए मुझे चाहिए, मेरे लिए ही चाहिए, लेकिन भगवान के बारे में सब कुछ चलता है, ये नहीं होता भाई। तब यशोदा जी नहीं रहती, तब देवकी मैया नहीं रहती। हमारे पास दोनों का अस्तित्व होना बहुत आवश्यक। इसलिए अपनी दिशा तय करो, पहले अपनी दिशा तय करो कि मेरे गुण संकीर्तन की दिशा क्या है, भगवान को पाने के लिए है यानी अर्जुन की दिशा है, या भगवान की ऐश्वर्य पाने की दिशा यानी दुर्योधन की दिशा। दुर्योधन और अर्जुन दोनों भी भगवान के पास जाकर पहुंचे। दुर्योधन ने क्या मांगी? भगवान की सेना मांगी। अर्जुन ने क्या मांगा? भगवान को मांगा। विजय किसे मिला? भगवान जिसके साथ था उस अर्जुन को मिला। 18 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों के पास, अकेला कृष्ण वो भी निहत था, शस्त्र नहीं उठाऊंगा निश्चय किया हुआ, फिर भी जीत किसकी हुई? पांडवों की। तो हमें किसकी दिशा पकड़नी है भाई? हमारे गुण संग दोनों भी भगवान के पास पहुंचे थे, दुर्योधन भी यानी अर्जुन भी, यानी दोनों के पास गुण संकीर्तन भक्ति है, क्योंकि दोनों भी जानते थे गुण, लेकिन एक गुण गा रहा था उसके संपत्ति के यानी उसके सेना के, दूसरा गुण गा रहा था भगवान के। हमें भगवान का गुण संकीर्तन करना चाहिए। भगवान ये दे सकता है, वो दे सकता है, ये दे वो दे, जरूर देगा। मांगो, जरूर मांगो, हट से मांगो, प्यार से मांगो भाई, लेकिन सिर्फ मांगने के लिए बात ना करो। मांगना है तो पहले भगवान को मांगो ना, उसकी साथ सारी सेना अपने आप आने वाली है।